नमस्कार। आज हम बात करेंगे, गवर्नमेंट जब जब महंगाई बढ़ती है तो सिक्कों की साइज छोटी क्यों करती है? आखिर क्या कारण रहता है सिक्कों की साइज छोटी करने? सिक्के जो मार्केट में चल रहे हैं उसी साइज में रहने दें। आखिर गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ती है कि सिक्कों की साइज छोटी करें? क्यों उनको ऐसा महसूस होता है? आइए जानते हैं। अभी अपन देखिए, किसी भी सिक्के की दो तरीके की वैल्यू होती है, नोट करना आप इस बात को। फर्स्ट होती है फेस वैल्यू, सेकंड होती है मेटलिक वैल्यू। अब फेस वैल्यू और मेटलिक वैल्यू क्या क्या होती है अपन देखते हैं। फेस वैल्यू होती है मतलब सिक्के के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो सिक्का उतने का ही है। जैसे एक रुपए का सिक्का तो उसकी फेस वैल्यू भी एक है, मार्केट में जाओगे तो उसका दाम भी आपको एक रुपये मिलेगा। दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए, इसका मतलब है कि उसकी जो फेस वैल्यू, मतलब एक रुपए का सिक्का है तो एक ही वैल्यू, आप मार्केट जाओगे तो उसको कोई आपको डेढ़ रुपए दो रुपए नहीं देंगे। एक रुपए का है मतलब एक रुपए ही उसकी वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब जो उसका फेस उस पर सिक्के के ऊपर दिख रहा है वही उसकी वैल्यू है। आप अपन सरल भाषा में यह समझ सकते हैं। सेकंड है मेटलिक वैल्यू। अब मेटलिक वैल्यू क्या है? मेटलिक वैल्यू वो है उस सिक्के को बनाने में कितना खर्च आया, मतलब उसको जब उस, पहले तो मेटल होता है, उस मेटल को जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी लागत कितनी आई है उसको अपन मेटलिक वैल्यू कहते हैं। जैसे कि अगर सिक्कों को अगर पिघलाया जाए, उस जो सिक्का है उस सिक्कों को अगर मेटल बनाया जाए तो उस मेटल की क्या वैल्यू आए उसको मेटलिक वैल्यू कहते हैं। अब क्या कारण है कि सरकार महंगाई के साथ में सिक्के की साइज छोटी कर देती है? आइए समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक रुपये के सिक्के को पिघला कर दो रुपये में बेचता है तो उसे एक रुपये का फायदा हुआ। अब यहाँ अंतर देखिए, महंगाई बढ़ती है, मेटल की वैल्यू बढ़ती है, सुनना आप गौर से करना, महंगाई बढ़ रही है, मेटल की वैल्यू बढ़ गई, अब सिक्कों की साइज बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, मेटल की वैल्यू बढ़ गई। अब लोग मुनाफाखोरी ना करें मार्केट में, सिक्के को पिघला कर एक रुपये का, अगर सिक्के को पिघला कर अगर वो दो रुपये में बेचेंगे तो उनको नेट एक रुपये का प्रॉफिट हुआ ना नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि एक रुपये में तो उसने खरीदा, एक रुपये में उसको वापस पिघलाया तो एक रुपये बड़ा हो गया, लेकिन दो रुपये में बेच रहा है, एक रुपये का तो उसको फायदा हो रहा ना। तो सरकार इसलिए करती है जो उसकी जो अगर महंगाई बढ़ गई है तो मेटल की वैल्यू बढ़ गई है तो फिर उसकी दोनों की फेस वैल्यू और मेटल वैल्यू को दोनों को सेम रखने के लिए सिक्कों की साइज छोटी कर देती है। अगर कोई पिघला के बेचे तो भी, जैसे एक रुपये का सिक्का है और एक रुपये के सिक्के को अगर पिघला पे बेच रहे हैं तो उसको एक रुपये मिलेगा, तो फिर जब मार्केट में मुनाफाखोरी नहीं होगी, उस वो अगर उस सिक्के को पिघलाएगा तो भी उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये रीजन रहता है, सरकार महंगाई के साथ सिक्कों की साइज छोटी इसलिए करती है। अब ये कारण रहता है कि सरकार सिक्कों की साइज छोटी कर देती है। ऐसा बहुत सी जगह, अभी इंडिया में तो शायद ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बहुत फॉरेन कंट्री में कितनी बार हुआ है, जब सिक्के महंगाई बढ़ जाती है तो सिक्कों को पिघला कर बेच दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक तो सिक्कों की शॉर्टेज आ जाती है, लोग मुनाफाखोरी करने लग जाते हैं। इसलिए सरकार और आरबीआई ये ध्यान रखती है कि जब जब महंगाई अगर बढ़ जाती है, उस लेवल में बढ़ जाती है, तो मेटलिक वैल्यू और फेस वैल्यू को हमेशा सरकार सिक्के में बराबर रखती है, कभी भी इनमें गैप नहीं पड़ने देती है। अगर गैप पड़ जाए अगर मार्केट में तो मुनाफाखोरी आ सकती है। इसीलिए ध्यान रखें, ये पॉइंट समझने वाली बात है कि सरकार जब जब महंगाई बढ़ जाती है सिक्कों की साइज छोटी कर देती है। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहें।